अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए लोग अपनी आस्था अनुसार धनराशि दान कर रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां व सामान्य वर्ग के लोग भी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को दान देने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। निधि समर्पण अभियान के तहत रायबरेली जिले के लालगंज कस्बे में स्थित बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल विद्यालय परिसर के प्रबंधक ने जहां 1 लाख रुपए चंदा दिया, तो वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने गुल्लकों के पैसे इकट्ठा करके 21,000 रुपए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि के लिए दान दिए। बताया जा रहा है कि विद्यालय और स्कूली छात्र छात्राओं की तरफ से विद्यालय परिसर में कैंप लगा करके 1,21,000 रुपए दिए गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने गुल्लकों के पैसे को दान देने का फैसला किया है। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक और स्कूल के छात्र छात्राओं ने यह धनराशि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को निधि समर्पण भेंट की है। छात्र छात्राओं के इस तरह के उत्साह को देखकर लोगों ने काफी तारीफ की है। निधि समर्पण कैंप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बचपन में हुई परवरिश और घर वालों के द्वारा दिए गए बच्चों को संस्कार आज उन्हें आस्था और भगवान के प्रति रुचि जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं संस्था के कार्यवाहक ने ये भी बताया कि ये बच्चे असल में भारत की पहचान है और जय श्री राम के नारे लगा करके अपना सहयोग राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा शीतला प्रसाद गुप्ता ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर कार्यवाहक ने। श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि का कार्यक्रम आज बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसपे लगभग 121 भैया और बहनों के माध्यम से 1,21,000 रुपया भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु सभी बच्चों ने समर्पित किया। कुछ बच्चों ने गुल्लक अपनी मनी पॉकेट के द्वारा दिया गया। कुछ भैया बहनों ने जो पूरे वर्ष गोला इकट्ठा किया था, गुल्लक को तोड़ तोड़ करके उस गुल्लक से भी सभी बच्चे, किसी ने 50, 100, 200, 500, जिसके गोलक में जो भी निकले पूरा गोलक भगवान राम के मंदिर के निमित्त समर्पित कर दिया।